नमस्कार आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार आज मैं भी उसी बात की चर्चा करने वाला हूं जो चर्चा आजकल हर चौराहे पर हो रही है हर चाय की दुकान पर हो रही है हर पान की दुकान पर भी हो रही है क्या भाई चार जून को कौन आने वाला है चार जून को क्या होने वाला है आप जानते हैं छह चरणों का मतदान हो चुका है सातवें चरण का मतदान होना है एक जून को और चार जून को नतीजे आएंगे तो आज हम जिस बात पर चर्चा करने वाले हैं वो यशवंत देशमुख के बयान को लेकर है और जो बयान आया है वो बीजेपी के लिए तो बेहद चौंकाने वाला है अब आप सोचेंगे कि यशवंत देशमुख कौन है जो मीडिया में जो काम करते वो लोग तो जानते होंगे लेकिन आम जनमानस को नहीं पता होगा तो मैं बताते चलता हूं कि एबीपी न्यूज पर जो आप सर्वे देखते हैं वो सी वोटर का सर्वे आता है और उसी सी वोटर के फाउंडर हैं यशवंत देशमुख जिन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में इस बार फंस गई है अब कैसे फंसी है क्या कुछ हुआ है ये डिटेल में हम आपको बताते हैं दरअसल यशवंत देशमुख पहले ये कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अच्छा परफॉर्म करेगी और समाजवादी पार्टी जो है सिर्फ सिर्फ अपनी परिवार की सीटें बचा पाएगी और कांग्रेस सिर्फ रायबरेली की सीट बचा पाएगी ये दरअसल वो इसलिए कह रहे थे क्योंकि उनको लगा कि बसपा का गठबंधन तो हुआ नहीं है बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी तो इससे जो है बहुत ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को नहीं होने वाला क्योंकि ओम प्रकाश राजभर भी साथ में है फिर उधर अपना दल सोने लाल भी साथ में है और इस वजह से क्योंकि आरएलडी भी साथ में तो इस वजह से जो है समीकरण बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा था लेकिन जैसे जैसे वोटिंग होती गई पहले चरण दूसरे चरण तीसरे चरण चौथे चरण पांचवे छठे उसके बाद से जो ये जो प्रोडिक्ट करते हैं जो पॉलिटिकल एनालाइजर हैं इन सब की भाषा में परिवर्तन आने लगा अब जैसे यशवंत देशमुख जी हैं यशवंत देशमुख ये कहते हुए आ, सीधे तौर पर वो जब बैठते हैं वीपी न्यूज पर तो वो बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा और इस बार वो विपक्ष के दावे में दम बता रहे हैं यानी विपक्ष ये कह रहा है कि 25 से 30 सीटों पर हम तगड़ी फाइट कर रहे हैं तो उस फाइट को वो सही बता रहे हैं कि हाँ वो फाइट है यानी विपक्ष की बातों में दम है तो भारतीय जनता पार्टी जो ये दावा कर रही है कि अस्सी लोकसभा सीटों में हम सत्तर पचहत्तर पार तो रहेंगे ही तो उन दावों में सच्चाई अब नजर नहीं आती यशवंत देशमुख की माने और यशवंत देशमुख ने इसके पीछे का कारण भी बताया है उन्होंने कहा है कि जो नॉन परफॉर्मिंग थे यानी जिनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं था भारतीय जनता पार्टी ने उन लोगों को भी मैदान में उतार दिया जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा अब इसमें आप समझ सकते हैं कौन कौन सी सीटें थी तो ये नॉन परफॉर्मिंग हो गया और जो जनता के बीच जो आम मुद्दे थे उन मुद्दों को लेकर जो जनता इस बार इलेक्शन लड़ रही है यह बात भी उन्होंने कहा कि इस बार जनता इलेक्शन लड़ रही है और जनता जब इलेक्शन लड़ती तो आप जानते हैं कि नतीजे किस तरीके से आते हैं तो यह भी चीजें हैं तो दो तीन चीजों को लेकर जो समीकरण बैठता हुआ दिखाई दे रहा था बनता हुआ दिखाई दे रहा था वो इस और इशारा कर रहा था कि हाँ हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी परफॉर्म करे लेकिन अभी जो चीजें हैं वो यशवंत देशमुख भी कह रहे हैं कि बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है इसका खामियाजा सांसदों की स्थिति अच्छी नहीं है चुनाव फंस चुका है अब कई जगहों का लेकर अगर उन्नाव चले जाएं साक्षी महाराज की बात कर लीजिए स्मृति ईरानी का भी मामला फंसा हुआ दिखाई दे रहा है के शर्मा तो ये ऐसे लोग हैं और हेमा मालिनी का आपने देखा किस तरीके से विरोध था अलीगढ़ में आप चले जाइए सतीश गौतम का विरोध था तो ये जो प्रत्याशी हैं जब प्रत्याशी, है, जो प्रत्याशी है, आप प्रतापगढ़ चले जाइए संगम लाल गुप्ता ऐसे बहुत सारे नाम अगर मैं गिनाना शुरू करूंगा तो फेरिस्त लंबी है और उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होता दिखाई दे रहा है ऐसा यशवंत देशमुख का मानना है और फिर अलग अलग प्रोडिक्शंस भी आ रहे हैं अलग अलग जो नेता हैं वो भी कर रहे हैं यहां तक कि आपने देखा कि योगेंद्र यादव ने भी अपना प्रोडिक्शन दिया है योगेंद्र यादव भी कह रहे हैं कि हाँ इस बार ठीक ठाक टक्कर हो रही है भारतीय जनता पार्टी हो सकता है सरकार बनाने लेकिन स्थितियां जो है काबू में नहीं रहने वाली ऐसी तरह तरह की बातें हो रही है फिलहाल तो क्या कुछ होने वाला है इस पर चर्चा है लेकिन दो तरह की चर्चाएं और भी चल रही हैं उन दो तरह की चर्चाओं पर भी हम बात करेंगे इसलिए आप चैनल बने रहिएगा इस वीडियो में इस खबर में आपको यह बताया कि यशवंत देशमुख क्या कह रहे हैं और फिर ये भी बताएंगे कि आखिरकार किस तरीके से अलग अलग प्रोडिक्शन जो आ रहे हैं और जो प्रोडिक्शन दे रहे हैं उनका क्या हाल होने वाला वैसे यशवंत देशमुख के बारे में यह भी कहा जाता है कि यशवंत देशमुख बीजेपी को ही जीता हुआ दिखाते हैं 90 परसेंट जिनके सर्वे रहते हैं वो बीजेपी की ओर पुष अप रहते हैं कि बीजेपी ही आ रही है लेकिन इस बार अगर यशवंत देशमुख का बदलाव हुआ है मूड बदला है यशवंत देशमुख यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं इस बार थोड़ा चेंजेस होंगे भारतीय जनता पार्टी फंसी है तो हो सकता है फिलहाल ये तो जनता ने जब बटन दबाया होगा वो तय किया होगा वो चार जून को स्पष्ट हो जाएगा सबके प्रोडिक्शन कई बार फेल भी हो जाते हैं तो ये सर प्रोडिक्शन है मैं पहले ही कह रहा हूं ये काल्पनिक बातें हैं इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है वास्तविकता चार जून को सबके सामने आ जाएगी इसलिए इंतजार करिए और मैं आपको अपडेट देता रहूंगा बताता रहूंगा क्या कुछ चीजें चल रही वो भी बताऊंगा तो इसलिए आप चैनल के साथ जुड़े भी रहिए अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक में शायद वो फॉलो करने का बटन होता है उसमें फॉलो कर लीजिएगा अगर आप यूट्यूब पर यह वीडियो देख रहे हैं तो आप यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन वो घंटी वाली आकृति उसको भी दबा देना ताकि अपडेट आप तक पहुंचती रहे और मैं आपसे कनेक्ट रहूं आपको चीजें पहुंचाता रहूं नमस्कार